I love Spiti. लांगजा के बुद्ध भगवान, ये है काजा। गुड मॉर्निंग फ्रॉम काजा। टाइम हो रहा है 6:30। हल्की हल्की सी ठंड, क्या पहाड़िया है। ये हमारा गेस्ट हाउस, मड हाउस। ये मड हाउस है, तो जो ये बने हुए हैं ये मिट्टी के बने हुए हैं। ये दीवारें हैं, ये मिट्टी के बने हुए हैं। ये काफी गर्म रहता है। कल रात में सिंगल कंबल था, मुझे जैकेट पहन के सोया था, जैकेट खोलनी पड़ी रात में। इतना कंफर्टेबल है इसके अंदर। बाहर कितनी भी हवा चले, अंदर बहुत कंफर्टेबल रहता है। अब चलते हैं, निकलते हैं यहाँ से और देखते हैं क्या है। सबसे पहले हम चलेंगे छीछम की तरफ, तो बढ़ते हैं छीछम और फिर बाकी चीजें कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो निकलने को तैयार। आज हमारी बाइक पे कोई सामान नहीं बंधा है, खाली बाइक को पहाड़ों पे दौड़ाने में अलग ही मजा है। जय बजरंगबली। सबसे पहले हम बढ़ेंगे छीछम की तरफ, वो कवर करेंगे। उसको बोलते हैं वो दुनिया का सबसे हाईएस्ट ब्रिज है, तो उसको देखते हैं। फिर उसके बाद हाईएस्ट विलेज, फिर उसके बाद हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस। सारी चीज़ों को देखते हुए अपन लौट के नीचे आएंगे। हमें जाना है छीछम की तरफ, तो वहाँ नीचे ब्रिज आएगा, उस ब्रिज से रोड उधर की ओर जाती है। तो ये इधर जा रहा है किब्बर की तरफ, स्पीति वैली। तो किब्बर की ओर ही हमें जाना है, लोसर किब्बर की मॉनेस्ट्री कुंजम टॉप के लिए उस तरफ। स्पीति वैली पे बहती हुई स्पीति नदी। तो वो है सामने की, जो छोटे से गांव दिख रहा है, घर दिख रहा है, वो है की। तो वो है सामने की मॉनेस्ट्री, ऊपर अभी चलेंगे उसकी तरफ से ही। तो ये पहुंचाए हम लोग छीछम ब्रिज। इसको कहा जाता है कि ये दुनिया का सबसे ज़्यादा ऊंचा ब्रिज है, हाईएस्ट ब्रिज इन द वर्ल्ड। उसके ऊपर से गुजर रहे हैं अभी हम लोग। बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम नेम ऑफ द वर्क CO120 स्पैन छीछम ब्रिज ओवर संभा लामा नाला। संभा लामा नाला के ऊपर बना हुआ है। एस्टिमेटेड कॉस्ट। सबसे खास बात है इस ब्रिज की, ये ब्रिज काफ़ी हाइट पे बना हुआ है, और जो यहाँ से जो नाला है ये काफ़ी नीचे बहता है। वो नीचे नाला बह रहा है। तो सस्पेंशन ब्रिज है, हिल रहा है, तो कई सारे लोग इस ब्रिज को देखने आते हैं। हो गया यहाँ पे फोटो सेशन इस छीछम ब्रिज का। अब चलते हैं यहाँ से और छीछम गांव का एक चक्कर काटते हुए और फिर वापस की तरफ बढ़ते हैं। ये है छीछम गांव, काफ़ी हाइट पे बसा हुआ है। और सोचने वाली बात यह है कि 2017 में ये छीछम ब्रिज बना था, उससे पहले इनका जो जीवन होगा वो कितना कठिन होगा और कितना घूम घूम के इनको मेन लैंड तक काजा या मनाली जाना होता होगा। लेकिन वो ब्रिज बन जाने की वजह से काफ़ी इन्हें फ़ायदा हो गया। तो यहाँ पर भी काफ़ी सारे होमस्टेज हैं, हर एक गांव में होमस्टे है, कोई रुकने की कोई दिक्कत नहीं है। आप हर एक जगह पर जाके रुक सकते हैं, जिस भी गाँव में आप चाहते हैं वहाँ रुक सकते हैं। ऑफिस ऑफ द कल्चरल सोसाइटी छीछम वुमेंस बुद्धिस्ट स्टडी सेंटर, वेलकम टू बोथ स्टे छीछम। ये बोथ स्टे है, राजकीय प्राथमिक पाठशाला। तो कई सारे होमस्टेज, स्कूल, सब कुछ है। रिमोट है बट फैसिलिटीज़ है। खैर एनीवेज, चलो हम लोग यहीं से टर्न करते हैं एंड नाउ विल गो टू किब्बर। शानदार नज़ारा भाई साहब, क्या खूबसूरत लग रहा है, मतलब ह्यूज मैसिव। ये आ गए हम लोग किब्बर, वो जो बसा हुआ है वहाँ पे वो है किब्बर। ताशी गैंग के लिए यहाँ से मुड़ जाए, किब्बर है ये। तो ये आ गया किब्बर, ये है यहाँ की मॉनेस्ट्री। चलो नीचे देखते हैं
कुछ खाने पीने को मिलता है तो थोड़ा सा पेट पूजा कर ली जाए। ये बसा हुआ है किब्बर रूम्स एंड फूड, जो हॉस्टल है ये यहाँ का। ओके, ये है नॉर्लिंग गेस्ट हाउस, स्पीति नॉर्लिंग एडवेंचर ऑफ द मैप ट्रेकिंग। ये यहाँ की मॉनेस्ट्री समझ में आ रही है। ये है यहाँ का प्राथमिक विद्यालय किब्बर लाहौल स्पीति। वो पहाड़ी पे जो बसा हुआ है ये है शीचम गांव, जो कि किब्बर से साफ दिखाई देता है। और अब हम लोग बढ़ेंगे की मॉनेस्ट्री, वो स्पीति नदी बहते हुए आगे, वहाँ पे काजा है और वो जो सामने हमें ऊपर दिख रहा है वो है की मॉनेस्ट्री। ये आ गए हम लोग की मॉनेस्ट्री। ओपन 7 AM, क्लोज 7 PM, व्हीकल नॉट अलाउड फ्रॉम दिस पॉइंट, फ्लाइंग ड्रोन इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, प्लीज मेंटेन साइलेंस इनसाइड मॉनेस्ट्री। ये है डायरेक्टर्स रेसिडेंस, मीटिंग ओनली विद अपॉइंटमेंट, फोटोग्राफी स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड इनसाइड द टेंपल। सो कोई भी फोटोग्राफी वीडियो टेंपल के अंदर अलाउड नहीं है। तो इनका जो मेन टेंपल था, जैसा भगवान बुद्ध ने कहा है, उन्होंने किसी भी धर्म को नहीं माना है। इवन अपना भी जो उन्होंने, बाकी उनके जो फॉलोअर्स थे, उन्होंने जो धर्म बना दिया बुद्धिज़्म, इसको भी उन्होंने मना ही किया था, लेकिन अब उनके जो फॉलोअर्स थे उन्होंने उसको कम्प्लीट किया। तो उनके जो मेन टेम्पल्स थे, जो भी टेम्पल होते हैं उसमें मेडिटेशन का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है, ध्यान केंद्र जैसे होते हैं, तो उसमें वो बैठ करके ध्यान लगाते हैं अपनी सांसों पर और अपने जो इमोशंस हैं, अपनी जो इंद्रियां हैं, उन पे काबू पाने की कोशिश करते हैं। तो हो गया अपना यहाँ पे टी ब्रेक। चलो जी अब बढ़ते हैं लांगजा की तरफ। अच्छा यार, यहाँ पे जो मेडिटेशन वाला जो सिस्टम है ना, मेरा भी मन कर रहा था कि यहाँ मैं बैठ जाऊँ और 2-3 घंटे मेडिटेशन करते हैं। इस वक्त हम लोग बढ़ रहे हैं लांगजा की तरफ। क्या खूबसूरत नज़ारा है वो देखो, पूरी ये स्पीति नदी है, बेहतरीन, बहुत सुंदर। और कल जब मैं हम लोग आए थे तो इसी रोड से आए थे, जो बिल्कुल सीधी रोड बन रखी है, उधर से ही आए थे। ये बता रहा है लांगजा विलेज सीधे है, काजा नीचे है, कॉमे किधर है। तो पहले हमें जाना है लांगजा, काजा लांगजा रोड। ये जो सड़क है ना, ये बहुत अच्छी बना दी गई है। लास्ट टाइम जब मैं आया था तब ऐसी पक्की सड़क नहीं थी, थोड़ा सा मिट्टी और कंक्रीट वाली सड़क थी, और अभी तो सड़क बिल्कुल मक्खन, एकदम मक्खन। चढ़ते 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 आ गए, ये है लांगजा सामने, और वो वहाँ सामने भगवान बुद्ध की बड़ी सी मूर्त है, जो कि लांगजा की एक पहचान है। ये छोटे छोटे घर बसने हुए हैं, 8-10-20 इससे ज़्यादा घर नहीं होंगे। जो पुरानी रोड थी वो लगभग कुछ ऐसी थी, मिट्टी की बनी हुई, और खैर से चारकोल हो गया कुछ कुछ जगहों पर। अच्छा है, अगर एक्सेसिबिलिटी बढ़ती है तो टूरिज्म बढ़ेगा, गुड फॉर टूरिज्म। तो ये हम पहुँच आए लांगजा। एक रास्ता ये है और एक रास्ता से घूम के आएगा, इसी से चलते हैं। जो भी होगा देखा जाएगा, ला 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 ला। ये है लांगजा की मॉनेस्ट्री। शानदार नज़ारा, ऊंची ऊंची चोटियों के बीच में हैं हम लोग लांगजा। ये है वर्ल्ड फेमस लांगजा के बुद्ध भगवान, और ये यहाँ से बुद्ध भगवान बैठे बैठे इन पहाड़ियों को देख रहे हैं। कौन कितनी देर तक बैठेगा। ऊपर एक ग्रुप लगा हुआ है, मुझे लेना है टाइम लैप्स, जब ये ग्रुप हटेगा ये वीडियो छूटेंगे तभी मैं ले पाऊंगा। मोस्ट ऑफ द प्लेसेस दे आर अबव 14,000 feet। तो जहाँ पर भी हम रुक रहे हैं, जहाँ पर भी जा रहे हैं, जैसे कि अभी हम लांगजा है तो ये भी 14,000 feet पर है, तो काफ़ी हाई ऑल्टीट्यूड पे चल रहे हैं। यहाँ पर थोड़ी भी एक्टिविटी आप करते हैं आपकी सांस फूलती है, आपको थकान लगती है,
बट जो मज़ा आता है ना हाई ऑल्टीट्यूड पर, अमेजिंग। तो जितने भी ये रिमोट विलेजेस हैं जो कि काजा से ही काफ़ी दूर बसे हुए हैं, पूरे गांव में शायद 10-20 घर होंगे, 40-50 की जनसंख्या होगी। हर जगह पर प्राथमिक विद्यालय और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ये ज़रूर है, तो जो कि दिखाता है कि ये लोग एजुकेशन को लेकर के और अपनी हेल्थ को लेकर के कितना कंसर्न है, विच इज़ अ गुड थिंग, वेरी गुड। तो देख लिया लांगजा, तो लगभग जो चीज़ें हमने अभी तक नहीं देखी थी वो सब देख लिया, कवर हो गया। तो अब पढ़ रहे हैं हम लोग हिक्किम और कॉमिक। एक काम और नहीं किया है अभी तक, वो है हिक्किम के पोस्ट ऑफिस से किसी को चिट्ठी नहीं भेजी है, वो करते हैं यहाँ के पोस्ट ऑफिस से एक चिट्ठी भेजते हैं अपने घर को। तो पहले ऐसे कच्ची सड़क थी, पथरीली सड़क थी, इवन ऊपर भी कॉमिक तक जाने की भी ऐसी सड़क थी, पर अब सारी सड़कें जो है बन गई हैं और अब हम जा रहे हैं हिक्किम गांव की तरफ, जो कि वो वहाँ नीचे बसा हुआ है। ये पहुँच आए हम लोग, द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस इज एट हिक्किम, which is located at 14,567 feet. तो अगर आप यहाँ आते हैं तो यहाँ से पोस्ट कार्ड वगैरह खरीद सकते हैं। ये दो पोस्ट कार्ड्स ले लिए गए हैं, जब उनको पोस्ट करते हैं वर्ल्ड के हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस पर। विश्व में सबसे ऊंची ऊंचाई पर स्थित शाखा डाकघर हिक्किम में आपका स्वागत है। ये है पोस्ट ऑफिस, जो कि पोस्ट बॉक्स जैसा बनाया गया है। पिछली बार आए थे तो यहाँ से चिट्ठी नहीं डाल पाए थे, शाम हो चुकी थी, अंधेरा हो गया था, तो वो चीज़ नहीं हो पाई। खैर आज वो हो गया, यहाँ पे अपना काम डाल दिया, पोस्ट कर दी चिट्ठी। चलो अब चलते हैं काजा। ये पूरा रास्ता हम काजा की तरफ बढ़ते हुए, और ये नीचे जो पूरा बसा हुआ दिख रहा है आपको, ये है काजा। दिन भर की साइट सीइंग ख़त्म करके आ गए हैं काजा मार्केट में, और काजा मार्केट में सबसे फेमस एक कैफ़े है, द हिमालयन कैफ़े। थुक्पा, वेज थुक्पा खाते हैं, देखते हैं कैसा है इनका। सारे बाइकर्स, एडवेंचरर्स, सारे क्लब्स के स्टिकर्स चिपके हुए हैं यहाँ पे। इनका एक सिटिंग यहाँ अंदर भी है, तो यहाँ भी बैठ सकते हैं। आ चुका है हमारा वेज थुक्पा। अगर आपको स्पीति की बाकी जगह देखनी है, बाकी जगह एक्सप्लोर करनी है, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल में जा करके वीडियो प्लेलिस्ट में स्पीति वैली देख सकते हैं। उसमें बहुत सारे वीडियोस हैं जो कि स्पीति वैली का है, मैंने 2019 में किया था, वो आप दोबारा देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, करते हैं वीडियो को एंड, मिलते हैं कल ऑन द वे टूवर्ड्स बैक टू होम। तब तक बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।